टाइमा तो ये ठीक है कि और सवेरे कर दें, उन लोग को सवेरे कर देते हैं, दसवा वाला को छोटे सात कर देते हैं, नहीं नहीं करें कोई बात नहीं रहे तो बता। इधर निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे और 7-8 बताना है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन 7 में है, बिंदुओं ए आइडेंटिकल विद 4,4 और बी आइडेंटिकल विद, उसको जो देख रहे हो ना कि ए अकोस्ट में घेर के लिखले है 4,4, उसको बोलते हैं ए आइडेंटिकल विद 4,4, फिर बी आइडेंटिकल विद -4,4 को अंकित करें। यदि ओ मूल बिंदु है तो ओ ए ओ बी और ओ सॉरी बी ए को मिलाने से जो हम बोले हैं यही चीज़ बात तो दोबारा बोलोगे, भले देख के ही एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 और ऑन कैमरा फिर से बोल देते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 लेकिन चैप्टर को, हाँ चैप्टर अगर कोई पूछे तो 5.1 नहीं बोलना, चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज भले ही चल रहा है 5.1। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक बार बोलो, बिंदु उसके हिसाब से देख लो, ठीक है वही हिसाब से लेके चलना। बिंदु ए आइडेंटिकल विद 4,4 और बी आइडेंटिकल विद, ऐसे क्या लग रहा है कि एक गलती लिखा गया, दोनों 4,4 है, इधर भले बी आइडेंटिकल है -4,4 और ओ अच्छा को अंकित करें, को अंकित हर्षिकार दुर्घिकार पता नहीं कैसे होता है, यदि ओ मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो तो टाइम पास नहीं है। मेन तो थोड़ा यही समझना है कि आपको पहले ए अंकित करना है, बी अंकित करना है, फिर आगे क्या है वो देखते हैं। ओ मूल बिंदु हो तो ओ ए ओ बी और बी ए या ए बी जो भी बोलो बी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, मतलब बिना देखले भी आप समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में है कौन से। ये वो पॉइंट है ए, भले वो 4,4 याद नहीं रहे लेकिन एक पॉइंट है ए 4,4, दूसरा पॉइंट है बी -4,4। पहले तो इसको ग्राफ पे दिखाना है, अंकित करें, मतलब पहले तो उसको ग्राफ पर दिखाना है और जब अंकित हो जाएगा तब उसके बाद फिर क्या करना है कि यदि आप मान लेते हैं कि ओ मूल बिंदु है तो ओ ए ओ बी और बी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है वो बताना है कि अरे यार कोई होशियार है तो बात करो, अब बोलो क्या बात है, अभी वो क्लास लेते कट गए उधर रख लो, ठीक है वहीं पे रखो, कोई भी उठा के बात करूँगा उसमें क्या बात है रख लो एजे, अरे अपने पास में सामने रखे, ठीक है देखो
ई ओ है, इधर हाईएस्ट पॉइंट अगर देखें ना तो चार है, तो लिखो एक दो तीन चार, ऐसे तो स्केल से नाप के लिखना चाहिए था बराबर दूरी पे, पाँच छः ढेरे लिखा गया क्योंकि हमको हाईएस्ट चाहिए था, हम लिख दिए हैं छः तक, फिर उतने उतने दूरी पे स्केल से नाप के माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, मतलब एक्स डैश हो गया। इधर अगर लिखें तो एक दो तीन पाँच छः सात, ढेरे लिख दिए उतना तो ज़रूरत तो नहीं है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस, बस बस भाई ये वाला चार कौमा चार हमको चीज समझ में, तो हमसे भी तेज है, बोलो कहाँ लिखे। इतना तो समझ में आता है कि फर्स्ट फर्स्ट में ना एक्स नियामक चार है, तो लगभग तुम लोग में तो सबके समझ में आता है कि वाला एक्स नियामक। यहाँ पे कोई वैसा नहीं जिसको समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे करना ज़रूरी भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं समझाने के लिए हम, मतलब ऐसे अगर लिख रहे हैं समझाने के लिए, मेन ये ध्यान नहीं देना कि जो डॉट 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 देख रहे हैं ना, डॉट 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 मिटा देंगे, और सिर्फ यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए, बहुत होगा चलो भाई भी लिख देंगे कि चार कौमा चार। वो इसे कायम बना है कल है वैसे बता रहे थे, अरे कल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कल था सम कोणीय निर्देशांक पद्धति, कल था सम, आज वैसा नहीं है, आज जो है बस ए को आप अंकित कीजिए, ए को फिर बी अंकित कीजिए, बी कहाँ है माइनस, समझ में आना चाहिए यहाँ पे कहीं होगा, और वाई नियामक एजा कहीं होगा, तो अपने एक अंदाजे से एजा होगा, किसी को अंदाजे में अगर दिक्कत लगे तो डॉट 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 यहाँ शायद होगा, यहाँ होगा, ग्राफ पे ठीक ठाक होता है लेकिन ऐसे डॉट 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 ये लिख देंगे कौन से पॉइंट बी, कितना हो गया। फिर इतने पे नहीं रुकना, यदि ओ मूल बिंदु हो तो ओ ए, तो ए है और ये वाला ओ है, इन दोनों को मिला दो यहाँ से, इसको मिला दो, और फिर उसके बाद तो इन्हें बी है ना, यहाँ वो है, इन दोनों को मिला दो, और फिर यहाँ बी है वहाँ ए है, इन दोनों को मिला दो। अब बताना है कि मिलाने पे कैसा आकृति बना, कहानी खत्म। एक तो अंकित करना था, ऊपर से मिलाने के बाद बताना था कैसा आकृति, लिख लो रुकते हैं। हाँ बनल है तो बहुत अच्छा है, ऐसे लगभग सबके घर में है, सबके यहाँ आपको ऐसा नहीं है, समझ में आया है तो बन जाएगा ना, तो आगे बढ़ते हैं। आठवां, खड़े में यूट्यूब चालू करके इसको रोक के लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपना, आठ नंबर क्वेश्चन आठवां, बिंदुओं ए आइडेंटिकल विद, और जो आज बता रहे हैं ना ये कॉपी हम चेक करेंगे दो दिन बाद, हाँ परसों मिल जाएगा सबके पास पहुंच जाएगा, फिर कॉपी चेक करेंगे, और कॉपी के ऊपर डेट जरूर देना। लिखिए बिंदुओं ए आइडेंटिकल विद, ए आइडेंटिकल विद वन टू ए आइडेंटिकल विद वन टू, बी आइडेंटिकल विद सिक्स टू, दो कैमरा कितने सिक्स टू टंकी आप सिक्स टू, सी आइडेंटिकल विद सिक्स फोर, कॉपी दिखाओ पहले रुक के कॉपी चेक करा, सी आइडेंटिकल विद सिक्स फोर पहले कॉपी चेक करवा, सी आइडेंटिकल विद सिक्स फोर
डी आइडेंटिकल विद 1 4 को अंकित करें। बैठो बैठो, तो कॉपी चेक हो गया था। ए आइडेंटिकल विद 1 2, बी आइडेंटिकल विद 6 2, सी आइडेंटिकल विद 6 4 और डी आइडेंटिकल विद 1 4 को अंकित करें। और ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी तथा डी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। 8 के बाद जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ना, वो डाउटफुल है। मतलब देख के नहीं समझ में आता कि कौन सा पॉइंट कजा घुसा दिया, कौन से पॉइंट कजा घुसा दिया, ये समझे में नहीं आता। कौन से पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट कर ले है, सच में नहीं समझ में आता। हाँ तो सबके किताब में नहीं ना, कुछ के किताब में नहीं, तो वैसनकर में हम यहाँ बना के और सही से बता देंगे, इसमें समझ में नहीं आता। फिलहाल 8वां, हाँ तुम लोग देखा दो ला कॉपी चेक करा दो। 18 तारीख वाला भी, 18 तारीख वाला भी दिखा दिया था। ठीक जा तुम लोग तो लेके आओ घर से, अगर कोई उपाय नहीं घर से जाओ लेके आओ। तो पहले किसे मांग के लिखो, हो गया मिटा देते। देखो ऐसे तो नंबर मैटर नहीं करता है, अगर पढ़ा रहे हैं तो नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन ये कहना गलत है कि नंबर एकदम मायने नहीं रखता। मतलब अगर आप एग्ज़ाम दिए और बाय द वे कम नंबर आया तो इतना भी अफसोस नहीं करना कि जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तब कह जाता है कि नंबरे सब चीज़ नहीं है। आगे फिर मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद फिर बीए, अरे फिर अपना जे भी है लाइफ में सक्सेस नंबर वे से आदमी नहीं होता। अगर आप अच्छा पढ़े लिखे हैं तो नंबरवा उतना मायने नहीं रखता। जैसे उदाहरण के तौर पर जीता जागता खुद हम ही हैं, खुद हम ही हैं। और ओपन चैलेंज खुला मैथ में देते हैं कि कोई आ जाए घर के धुआ नहीं उड़ा दिए नौकर, नाक मुँह कान से कने कने से निकलेगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ही हैं खुद। तो नंबर मायने नहीं रखता, हो सकता है किसी कारण बस आपका नंबर कम आए, लेकिन फिर भी कम से कम पढ़ेंगे ना। हाँ ले गया, आराम से ले गया, कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ बोल थोड़ा रहे हैं, कॉपी खाली दिखा दीजिए हमको। कैवा नंबर 8वां नंबर, देखो एक कितना है ये बताइए, 1.2। लेकिन यहू सही है बाबू कि अगर मेहनत करके पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हमको भी लगता है टीचर होने के नाते कि अच्छा खासा नंबर आ जाए, और नहीं आया तो उतना अफसोस नहीं करना। पढ़ रहे हैं ना, मन से पढ़ रहे हैं, वही बहुत है। बी कितना, 6.2। सी कितना, 6.4। डी कितना, 1.4। अब इसको अंकित करना है, हाईएस्ट पॉइंट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। एक बात और अच्छा है इसमें कि क्या अच्छा है बोलो, कि हमको नेगेटिव एक्सिस ढूंढने के ज़रूरतों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मान है ये नहीं। तो ये अच्छा बात, हम नेगेटिव तो नहीं जेबे नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट वो लिखेंगे और फिर बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा लिखा गया क्योंकि हमको हाईएस्ट चाहिए था कितना, ज़्यादा ही लिखते हैं, जानबूझ के ज़्यादा लिखते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। 1 2 3 4 6 7 8, बस वाइड है। ठीक समझ में आता है, समझे अब ध्यान से, समझे अब ध्यान से। मिडिल और प्राइमरी स्कूल में अब आपने है, हमने ऐसा टीचर ही नहीं चाहते कि आप मेरे सामने कॉपी खोल के पढ़ो, आराम से कॉपी बंद रखो, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि 1 और 2 है बोलो,
नियामक वन मतलब डॉट 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 डॉट, वो सब बोले की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही एगो अंदाजे समझ सकते हैं कि यही वाला पॉइंट है, ए यही तो है एक्स नियामक वन और वाई नियामक डॉट 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 डॉट। नहीं, वो तब होता जब हम आपसे कहते समकोणीय निर्देशांक पद्धति। फिलहाल ही वाला बोलो तो आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसा होगा कि डॉट 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 शायद छः कॉमा दून चाहिए तो शायद कहीं यहाँ होगा, शायद ऐसे ना होगा, यही होगा जहाँ बी छः कॉमा दो। हालांकि एक कितना था, एक कॉमा दो, एक कॉमा दो। सी बताइए सी कितना है, छः कॉमा चार। अब छः कॉमा चार, हाँ एजे यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे एक्स नियामक छः, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा, और वाई नियामक यहाँ मान लो, मान लेते हैं सी एजा छः कॉमा चार। डी बताइए, यही नहीं है एक, मतलब यहाँ कहीं होगा डी, कौन होगा एक कॉमा चार। अब सबको मिला दो, मिला भी कह रहा होगा ना, किसको किसको, तो ठीक है ए बी मिलाइए पहले। अब तो अपने मिलाने से पहले तो समझ जाओगे क्या बनने वाला है, हाँ चतुर्भुज या आयत ए बी, फिर क्या मिला बी सी, फिर किसको मिला सी डी, हाँ फिर डी ए। कैसा आकृति बना, हाँ चतुर्भुज भी कह सकते हैं ना, आयत या, अब इसको लिख लो आयत या चतुर्भुज बना के। इसके बाद रहा नौमा और दसवां, नौ और दस, अच्छा दस तो है ही ना, सॉरी नौ में ही भले है, नौ के पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो नौ में चारों हिसाब। अब पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सब खुद से बन जाएगा नहीं है, तो नया किताब में होगा शायद, है चल नौ भी बताइए देते हैं, कल के लिए इसको छोड़ें, नौ नंबर। नौ में चार हिसाब है, और जिस हिसाब से किसका किताब है, तो इसमें क्या सब किताब में लगभग इसने दे लिया, क्लियरली पते नहीं चलता, सब में साफ साफ पते नहीं चलता है, तो हम अपने किसमें, तो ठीक है हम ले लेंगे किताब, एक मिनट हम वही किताब उठा लेंगे, नौ के फर्स्ट, नौ के फर्स्ट, हाँ नौ के पहले नंबर में क्योंकि किताब से क्लियरली नहीं समझ में आएगा, तो हम समझाते हैं कि है क्या, जो ये कौन सा नियामक हो गया, एक्स नियामक, एक्स नियामक ने है, मतलब नियामक बोलती हैं गलती से, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, आप जो ड्रॉ कर रहे हो बोला एक्स अक्ष, हम बोले भी थे पढ़ा हुआ एक शख्स जनरली यही सब बोलता है नौवां दसवां वाला, और जो खड़ा है वो वाई अक्ष, एक्स एक्सिस, सॉरी वाला वाई एक्सिस, जीरो यहाँ, एक दो तीन, पहले ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट शायद
आठ है ना, तो आठ ही तक रह देते हैं। इधर से माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस आठ, वाई डैश हो गया। देखो हम ही बताते हैं क्या ये किताब देख के ना, हाँ की कह रहा था कि साफ साफ लिखल है लाभ, पुराना किताब में ना साफ साफ लिखल होगा, देख लेते हैं। हाँ है इसमें साफ साफ लिखल, इसमें साफ साफ है। इसमें देखो दो तीन गो पॉइंट है। पहला ए कहाँ है, ए तो नहीं, कैसे होगा ये भी होगा कि ए यहाँ पर है, इस जगह पे ए लिखले हैं, और फिर बी जो लिखे हुए हैं ना वो तुमको देख के नहीं समझ में आएगा, इस तरह से लिखले हैं नया किताब में। यहाँ बी है, बस खाली बी लिख दिया। फिर सी जो है ना, सी है सेवन और फोर मान लेते हैं, सेवन और यहाँ है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपको किताब देख के होगा, कम से कम वहाँ तो क्लियरली थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। डी इसमें तो और कन्फ्यूजन है, डी ये देख के ही कम से कम पता चल जाएगा डी। और ई जो है ई, कम से कम समझ में आ जाएगा कि ई कहाँ। एफ चार माइनस आठ, एफ के अलावा जी भी है, जी नहीं है, हो गया इसमें ऐसा ही ले ले। बता तो एक नियामक कितना है इसमें, तो बता रहे सी ए के नियामक। हाँ ए यहीं पे ना है, तो चाहे तो यहीं पे आंसर लिख देंगे, जीरो कॉमा छः। अगर पूछे बी के नियामक बता, जीरो कॉमा माइनस चार, बी के नियामक कितना है माइनस चार, बी के नियामक बता निलेश, माइनस चार कॉमा, क्योंकि अगर ये चीज़ इसमें नहीं समझे तो फिर टेंथ में तो और दिक्कत होगा, हायर क्लास में और दिक्कत होगा, तो पॉइंट ही नहीं अगर समझ में आया तो। सी किधर है, सी तो खैर तो गई काम से, सी बता तो, सी बता। हाँ हाँ समझ गए, हम समझ गए, सी यही ना है, सी जो है चार, इधर से एक्स नियामक और वाई नियामक, तो चार कॉमा सात। उसके बाद डी कितना है, हाँ डी यहाँ ना है, जिसमें एक्स नियामक माइनस दो और वाई नियामक भी, ई यहाँ पर है, बता कितना है ई। नहीं नहीं मतलब बोले ठीक है हो, लेकिन पहले पहले एक्स नियामक, पहले एक्स नियामक कितना माइनस दो और वाई नियामक माइनस आठ, एफ कितना है, एफ ऐसे देखे में तीन तो ये जो आ जाएगा ना, तीन नहीं लग रहा है, मतलब चार है और कॉमा हो गया, हम यही आंसर भी लिख दिए, ऐसे लिखना ऐसे चाहिए था, ए आइडेंटिकल विद जीरो कॉमा, बी आइडेंटिकल विद, सी आइडेंटिकल विद
चार का नाम था डी, क्योंकि ये सब चीज़ आप नाइन्थ में सीख सकते हैं, टेंथ में फिर मौका नहीं मिलेगा, टेंथ में तो कुछ और करना है। लिखो, ये अगर लगता है कि आपसे बन जाएगा फिर भी लिख लो, कि नया किताब में गलती तू सब के नहीं, हमें कहें तो नहीं गलती, किताबें में थोड़ा इसमें छपल है ना कि क्लियरली विजिबल नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अरे ये एक दो लिखते हो ना, एक दो ऐसे ही नहीं लिखना है, मतलब एक निश्चित दूरी पर, मतलब अगर यहाँ जीरो से एक के बीच का गैप इतना है तो इतने ही गैप आगे एक से दो के बीच में, उतने ही गैप दो से, मतलब मानते हैं कि ग्राफ के कॉपी पे नहीं बनाना है, ठीक है मत बना, लेकिन गैप तो कम से कम एक जैसन लिखो, एक दो के बीच में दूरी जरी एक जैसन रहे। हो गया, अब मिटाते हैं, अब लगभग समझ में आ गया कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है। अच्छा जैसे वहाँ ई नहीं लिखे तो ई अपने से भी लिख दोगे, कितना -8, एफ कितना है 4, -8 मतलब लिखा जाएगा। दूसरा दूसरा में नेगेटिव पॉइंट है, -1 है और पॉजिटिव साइड में 3। 9 के दूसरा एक्स वाई ऐसे एक्स डैश वाई डैश नीचे छोटा लिखें जान बोझ के, क्योंकि उसी में वैसन लिखा है। बोलो कितना, 1, 2, 3, 4 ढेर हो गया, 5 उसमें तो लिखल भी नहीं, 4 तक हम उतने लिखते हैं। फिर 1, 2 डिस्टेंस हो सकता है कि हमसे थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन तू थोड़ा सा अपने कोशिश करना कि बराबर हो, ऐसा से लिखे 3, 4 इधर -1 -2 के तो लिखवो नहीं किया होगा, है लिखल तो नहीं है, तो हटा नीचे, नीचे तो शायद -1 भी नहीं है,
ये भी है, उसमें पॉइंट अगर देखें तो कितना कितना है? इसमें देख के बताइए कि ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए जहाँ भी है यहाँ ए है, इस जगह पे ए है। किताब होगा तो आप समझ सकते हैं। बी कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, हाँ बी यहाँ पर है, अभी नहीं लिख रहे हैं कि देख कर हम बता रहे हैं, कैसे देख के ही नहीं समझ में आएगा। सी 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 कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ सी है, हाँ सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। डी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है? नहीं, डी गौर से देखोगे ना तो डी समझ में आएगा कि डायरेक्ट डी यहीं पे है, डी डायरेक्ट एकदम यहीं पे है, यहीं बोले तो यहाँ पर, यहाँ पर इसी जगह पे। और ई कहाँ पर है, ई इस जगह पे, ई। एफ कहाँ है, मतलब जिस हिसाब से हमको लग रहा है पॉइंट तो दे लेने हैं तो माइनस वन मान लेते हैं, माइनस वन है, मतलब बहु ना कि यहीं पे एफ है, माइनस वन पे ही नहीं है, एक्स से पे है। देखिए ध्यान से, जी कहाँ पर है, हाँ मतलब दू के एक्स नियामक दू के नीचे और वाई नियामक यहाँ पे। अच्छा एच कहाँ पर है, मेरे हिसाब से लग रहा है कि एच वहीं लिख देना चाहिए था उसको, लेकिन लिखा नहीं है, हाँ पॉइंट फाइव कह सकते हैं, पॉइंट बी भी 2.5 है कि अच्छा आंसर में 2.5 है, देखो तो आंसर में 2.5 है पक्का, तो ठीक है बी वन है और 2.5 मतलब दो और तीन के बीच में। आंसर एक बार चेक कर लेना, 2.5 है बी है ना, हाँ तो 2.5। सी सी कहाँ है, सी मतलब सी कहाँ है 1.5, इसमें क्लियरली नहीं समझ में आता है तो यही ना। वाई नियामक तो ठीक है सी के, ठीक है डी सही है, हाँ डी तो सही है 0.3। ए सही है, ई कहाँ पर है, मतलब इस जगह पे कहीं ना, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता, हम ही कंफ्यूज हैं, ऐसा से ले 0.5 कॉमा माइनस 0.5 उड़ी बाबा, मतलब एज्जा ना है यहाँ से और यहाँ से, एज्जा पर यहाँ पे कहीं है, गलती हो गया यहाँ पे कहीं है। और फिर ई के बाद एफ, ठीक है एफ है यहाँ पर भी नहीं, एफ यहाँ बोल रहे हो तो ना, एफ यहाँ पर और हाँ 0.5 एक्स नियामक और वाई नियामक माइनस वन यही ना जी, ठीक है एच भी ठीक है, एच तो देवे, एच कहाँ है दो है और कॉमा माइनस 0.5 मतलब इस जगह पे, तभी ना बोलेंगे दो और 0.5 माइनस में, और नहीं नहीं इसको देख के थोड़ा दिमाग पे असर तो पड़ता है। अब भले बता सकते हैं कि ए नियामक कितना, वन माइनस वन कॉमा वन, बी बता, बी जिस हिसाब से तुम बोले हो, नहीं नहीं 2.5 कॉमा, सी देखिए बताइए, सी जिस हिसाब से तुम सुधा 1.5, डी कहाँ है 0.3, ई कहाँ है कॉमा माइनस में 0.5,
एफ कहाँ है? एफ यही ना है मेरे हिसाब से, माइनस में 0.05 और माइनस 1। जी किस जगह पे है? 2, माइनस। एच को क्या बोले? मतलब 2, आंसर लिखा जाएगा उधर वैसे ही। चाहे चल इधर लिखते हैं, ए आइडेंटिकल विद बोलो, बी आइडेंटिकल विद बताओ, सी आइडेंटिकल विद बोलो। D identical with, E identical with, ऐसे बन जाएगा ना। किताब में अगर कंफ्यूजन लगे, थोड़ा सा पता नहीं चले, तो पीछे आंसर है ना, आंसर से देख के लिख सकते हैं। ऐसे गलत बात सिखा रहे, गलत नहीं सिखा रहे हैं। इसमें जो कंफ्यूजन होगा, अगर आपको डाउट होगा लिख लीजिएगा, उससे कोई नुकसान नहीं आपको होगा। 10th में 11th में फिर क्लियरली लिखल रहेगा। छोड़ दे, 2 को बन जाएगा, बता दें बन जाएगा, कुछ है नहीं। हाँ आंसर से बना लीजिए। अब इसके बाद है, बन जाएगा क्योंकि बिना आंसर के ना थोड़ा सा डाउट लगेगा, कभी आंसर कुछ कभी कुछ। जैसे कि चौथा नंबर में अगर आप देखो, 9वां के चौथा किताब है तो देखो, 9वां के चौथा देखिए और देख के सी के बारे में बताइए। देख कर बोलो सी पॉइंट क्या है? 2.5 क्या है सी? हमारे हिसाब से लग रहा है सी जो है ना वो 2.3 है। तो 2.5 कहवा मालूम है? सी चौथा में 2 है, सी जो है वो 2 है और 3 है मेरे हिसाब से। 2.5 है कौन हिसाब से, किसके हिसाब? ऐसे कैसे देगा, हम जब मार के माथा नहीं फाड़ देंगे किताब के, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से जो दे ले, सच में दिमाग ख़राब होता है। तू अपने देखो गौर से, तो तुमको लगेगा कि जो सी है ना वो 2 के जस्ट ऊपर है और 3 के जस्ट सामने है। अरे यार किताबा है, देखो ने, तुमको एकदम देख के लगेगा कि 2 के जस्ट ऊपर है सी और 3 के किताबे ने, तो कहाँ देख किताब लेवे ने किए हैं। दुर्गा पूजा में तो दीपावली ले, मतलब देख के ऐसा लग रहा है ना कि 2.3 ही होगा, बाकी आंसर क्या दे रहा है हम आंसर वंसर नहीं मानेंगे और हम उसके हिसाब से लिखेंगे 2.3। हो गया ना कन्फ्यूजन? नहीं तोरा विश्वास, देखो किताब में एकदम डायरेक्ट लिख ले, एक्स नियामक 2 और वाई नियामक। अब इसको कैसे देखा है ऐसे करके, देखिए तब है ना, नहीं दिखाइयो ना देगा, नहीं तुम लोग देख सकते हो। अब यहाँ दिखाना लगभग असंभव है, तुम लोग अपने किताब में देख सकते हो, यहाँ लगभग असंभव है, अब नहीं दिखाया जा सकता। जैसे यहाँ देख तुम लोग, सी के जस्ट नीचे उतरते आ उतरते आ उतरते आ उतरते आ उतरते 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 कहाँ मिलेगा? 2। इधर इधर आओ लेफ्ट साइड, कहाँ पे आँक मिला? 3 पे, तो 2.3 ही होगा। लेकिन आंसर में तो नहीं कह रहे, कुछ और है आंसर, कुछ और दे रहा। तो वो अब अपने से बनाना, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 2-4 बार रैखिक समीकरण।